हेलो दोस्तों, तो आज हमारे और आपकी बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ किन्हीं कारणों की वजह से, बहुत ज़्यादा ऐसे कारण से जो अभी आपको बता नहीं सकते, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब थोड़ी चीज़ें ठीक हो गई हैं। मेरा गला भी ठीक हो चुका है तो मैं क्लास ले पाऊँगा। आज हम लोग फिजिक्स 12th स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हम लोग 12th का फिजिक्स पढ़ेंगे। इसमें हम यूपी बोर्ड एंड बिहार बोर्ड के सभी हिंदी मीडियम स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। वीडियो जाते रहेंगे अब रेगुलरली। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं फिजिक्स के पहले चैप्टर वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र के बारे में, ये सब बातें होने वाली हैं। लेकिन वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र पढ़ने से पहले ये जरूरी होता है कि हम लोग ये समझ लें कि वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। जब तक हम लोग ये नहीं समझते हैं कि वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तब तक कोई बात करना इस चैप्टर के बारे में बेकार होगा। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो है आवेश के बारे में। लेकिन आवेश से पहले हम लोग बाकी चीजों के बारे में डिस्कस कर सके, ताकि हमारा इस चैप्टर को लेकर के नजरिया बदल सके, हम लोग ये समझ सके कि ये चैप्टर काम कैसे करेगा, ये चैप्टर चलता कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, जो 12th फिजिक्स है हम लोग इसको तीन हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे। फिजिक्स को हम तीन हिस्सों में बांट के पढ़ने वाले हैं। पहला जो हिस्सा होने वाला है वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक का हिस्सा होने वाला है। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको हिंदी में स्थिर वैद्युतकी कहते हैं, जिसको हिंदी में स्थिर वैद्युतकी कहते हैं। दूसरा जो हिस्सा होने वाला है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको हम लोग वैद्युत चुंबकत्व के नाम से जानते हैं, वैद्युत चुंबकत्व। तीसरा जो है हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात करेंगे, जिसको वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इस चैप्टर को तीन हिस्सों में बांट के पढ़ा जाएगा। पहला होगा स्थिर वैद्युत की, दूसरा होगा वैद्युत चुंबकत्व, तो तीसरा होगा वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो हम समझ लेते हैं तीन दिनों चैप्टर में क्या होने वाला। पूरी फिजिक्स जो है सिर्फ आवेश का खेल है। अगर आप फर्स्ट फिजिक्स को पढ़ते हैं तो पूरे के पूरे फिजिक्स में सिर्फ आवेश के बारे में पढ़ना है, और आवेश की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। अवस्थाओं मतलब जब आप रुके हुए आवेश के गुणों का अध्ययन करेंगे, जब आप रुके हुए आवेश के गुणों का अध्ययन करेंगे। सपोज करिए मैं आवेश हूं और मैं रुका हुआ हूं, एकदम सन्न मार लिया हूं, एकदम मूव ही नहीं कर रहा हूं, एकदम हिलजुल नहीं रहा हूं, तो मैं तो रुके हुए आवेश का जब आप अध्ययन करेंगे तो वह स्थिर वैद्युतकी में आएगा। ठीक है, तो अगर मैं रुका हुआ हूं और मेरे गुणों का अध्ययन कर रहे हैं और मैं आवेश हूं, तो वह जो गुण पढ़ेंगे आप वह स्थिर वैद्युतकी में आएगा। और जब आवेश एक समान वेग से गति कर रहा होगा, ऐसे एक समान वेग से गति कर रहा होगा, तो वह वैद्युत चुंबकत्व में आएगा। और जब आवेश को कुकुर दौड़ा ले तो वह वैद्युत चुंबकीय तरंगों में आएगा। मतलब ऐसा समझ लीजिए, कुकुर दौड़ा लिया, कभी ऐसे तेज तेज भाग रहा है, कभी धीरे दिख रहा, कभी भाग रहा है, कभी धीरे दिख रहा है, तो वह वैद्युत चुंबकीय तरंगों में आएगा। यानी कि एक बात तो हम लोग समझ गए क्लियर कि हमारा जो फिजिक्स है तीन हिस्सों में बटने वाला है। वो जो तीन हिस्से हैं कौन कौन से हैं, स्थिर वैद्युत की, वैद्युत चुंबकत्व और वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये तीन हिस्से होने वाले हैं, ये सबसे जरूरी हिस्सा है। स्थिर वैद्युतकी में जो सबसे पहला आप टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे, सॉरी, वैद्युत क्षेत्र, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, भौकाली भाषा है ये सब। इसको इंग्लिशियम सीबीएसई वाले पढ़ के भौकाल मारते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ज्ञान ज्ञान होता है, ज्ञान भाषा पर निर्भर नहीं करता है, मेरा यही मानना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई दो शब्द इंग्लिश में आपसे बोल देता है तो आपकी रूह कांप जाती है, लेकिन कांपने की जरूरत नहीं है, आप फिजिक्स में बतियाइए। ठीक है, फिजिक्स में बतियाइए, सबकी बोलती बंद कर दीजिए। ठीक है, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र ये चैप्टर है। तो अब हम लोग चैप्टर्स
पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं एक एक बात, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा वन बाई वन। अगर कहीं आपको दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन वीडियो अलग से डाल दूंगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए, जब तक स्टूडेंट और टीचर का संवाद ना हो तब तक हम लोग ये नहीं कह सकते कि स्टूडेंट क्या बेहतर सीखा और टीचर को उससे सीखने का क्या मौका मिला। मैं यहाँ पर खड़े होकर के कुछ भी बोल दूंगा, आप मुझे अगर मानते हैं तो मेरी हर बात मानने लगेंगे, नहीं क्योंकि आप अभी विचार नहीं सही से कर सकते, अभी आप तर्क नहीं कर सकते। तो जब आप क्लास में बैठे होते हैं तो उसकी बात अलग होती है, आप सामने बैठ करके जो चीजें ग्रहण कर सकते हैं वो है मोबाइल को उस साइड नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा आपका मेल नहीं हो पा रहा, इससे क्या हुआ। चलिए, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा हर एक चीज, वन टू वन, वन बाई वन करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर कहीं आपको दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसको दूर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। नो डाउट मेरी हैंडराइटिंग आपको खराब लग रही होगी, लेकिन मैं व्हाइट बोर्ड पे क्लास लेता हूं। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड पे अलग तरीके से लिखना होता है, मार्कर से, यहाँ पे इस पेन से लिखना पड़ रहा है जो बहुत भौकाली है, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड। नो डाउट आपको मेरी क्लासों में हो सकता हो कि मैं एक एक चीज लिख लिख करके एक्सप्लेन करता हूँ, कर रहा हूँ, तो आपको बोर हो सकते हैं, लेकिन विश्वास मानिए अगर आप पेशेंस रखेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक, अच्छा, सबसे पहले वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये बात समझना होगा कि फिजिक्स है क्या, भौतिक विज्ञान आखिर है क्या। बहुत बच्चों से पूछ लिया जाता है कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो बच्चे बता ही नहीं पाते हैं कि भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रकृति में होने वाली घटनाओं का, जिस विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति के अंदर घटने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वह भौतिक विज्ञान में आता है। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई हमारे नेचर में, ठीक है, उस सब घटनाओं का अगर आप अध्ययन करने लगे तो वह भौतिक विज्ञान में आता है। जैसे अगर बात किया जाए कि हमारा ब्रह्मांड के निर्माण, जब ब्रह्मांड हमारा बना तो क्या था, तो कहा जाता है कुछ नहीं था। हमारे ब्रह्मांड के समय कुछ भी नहीं था, जब ब्रह्मांड का हमारा निर्माण हुआ तो कहा जाता है कि एक विस्फोट हुआ, एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट से दो चीजें निकली, एक निकला द्रव्य, दूसरा निकला ऊर्जा। यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि मेनली हमारा ब्रह्मांड किन दो चीजों से मिलकर बना है, किन दो चीजों से मिलकर बना है, द्रव्य और ऊर्जा। ठीक, तो सभी चीजें, द्रव्य क्या होता है, ब्रह्मांड का प्रत्येक कण जो भी स्थान घेरता है, ब्रह्मांड का प्रत्येक कण जो भी स्थान घेरता है वो द्रव्य कहलाता है। जैसे क्लास में बेंच होता है, ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड है, मैं हूं, गैसेस है, ये सब स्थान घेरती है और इनका द्रव्यमान होता है, वह जो होता है द्रव्य कहलाता है। तो याद रखिएगा, अगर कभी कोई पूछे द्रव्य का डिफिनेशन क्या होता है तो बताइएगा कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण जो स्थान घेरता है तथा जिसका द्रव्यमान होता है वो द्रव्य कहलाता है। अच्छा, महान भाव यहां भी नहीं रुके, लोग पूछने लगे कि आखिर द्रव्य किससे मिलकर के बना है। तो द्रव्य किससे मिलकर बना है, तो सबसे पहले आने के लिए बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन अगर मेनली बात किया जाए तो डाल्टन का आता है परमाणुवाद, डाल्टन का परमाणुवाद आता है। और डाल्टन ये कहते हैं कि भैया द्रव्य जो है अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर के बना है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और वह फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। और द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है और उसी का नाम उन्होंने रखा था परमाणु। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि द्रव्य किससे मिलकर बना है, द्रव्य की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है, जैसे घर की सूक्ष्मतम इकाई ईंट हो गई, वैसे द्रव्य की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तो डाल्टन ने कहा परमाणु होता है। ये डाल्टन के द्वारा कही, और डाल्टन ने कहा परमाणु अविभाज्य, मतलब परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। तो अभी आपका कोई मित्र कहते भैया मोबाइलिया तोड़ के देखा था, तो जबरदस्ती उठा के ईंटा पूछ देंगे, परमाणु एकदम मतलब मन में नहीं करेंगे, कहे लाउड हम तोड़ के दिखाएं, अगर वो लोहा लेके आए कहे तो दम हो तो तोड़ के दिखाओ, तुम अगर अपने पे आ गए तो उसको ले जाके बुलडोजर के नीचे कचलवा दोगे। बाबा जी के बुलडोजर की बिल्कुल बात नहीं हो रही है, यहां सिर्फ बात हो रही है कि अगर कोई कह दे कि इसको नहीं कर पाओगे तो आप एक जिद ठान लेते हैं। तो जैसे ही डाल्टन ने कहा कि परमाणु अविभाज्य है, मतलब परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, तीन चार चिचिन विद्धर आ गए,
अब बहुत चिलबिद्धर लोग थे, वो एक्सपेरिमेंट कर डाले और एक्सपेरिमेंट के थ्रू नतीजा ये निकला कि ऐसा है परमाणु तीन मूल कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब बातें करते हैं सबसे पहले परमाणु के बारे में कि परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु को भौकाली भाषा में एटम कहते हैं, आइटम नहीं कहते हैं, एटम कहते हैं। आइटम मतलब होता है वस्तु या सामान, दिस इज कॉल्ड एटम। ठीक है, परमाणु, परमाणु क्या होता है, परमाणु का जो डिफिनेशन दिया जा रहा है आज के समय पे जो पढ़ा जाता है आधुनिक युग में, मॉडर्न टाइम में जो पढ़ा जाता है, हम लोग अगर कहेंगे तो मैं इंग्लिश वाला भी बता दूंगा लेकिन ठीक है, भौकाल है लेकिन बेसिक समझिए। द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। यानी कि सीधे सीधे द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, रह सकता तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, भाग लेता है परमाणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ठीक, मैंने बताया द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। अब मैंने इतना बड़ा डिफिनेशन लिखा, कोई मतलब है नहीं इसका, इसके नोट्स आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आगे से आपको जो ये रहेगा लिखा हुआ पहले से नोट्स में, नोट्स के रूप में मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। तो यह डिफिनेशन हुआ, तो जब परमाणु है परमाणु कहलाता है। जैसे ही डॉक्टर ने कहा परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, तीन चार त्रिविधल लोग आते हैं परमाणु को तोड़ देते हैं, और जब वो परमाणु को तोड़ देते हैं तो कहा जाता है परमाणु में तीन मूल कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन उसको चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पाए जाते हैं, नाभिक में। ये नाभिक है, इसको भौकाली भाषा में न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन करके न्यूक्लियॉन कहा जाता है, इसको न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्यों न्यूक्लियॉन कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने गाँव में सुना होगा कि गांव की औरतों को एक दूसरे, जब कोई एक औरत दूसरे औरत को संबोधित करती है यानी बुलाती है, कहती है पुरवाही पछुहाई। ठीक है, उत्तराही दखनाई, या कहीं का एक नाम लेते हैं गोरखपुराही, ठीक है कनपुराही, ऐसे नाम लेते हैं। तो ऐसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम न्यूक्लियॉन रखा गया। एक साथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहा गया, इसको पूरा न्यूक्लियॉन कहा गया। और ये जहां पाए जाते हैं उसका नाम होता है नाभिक, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। अगर आपने शक्तिमान बचपन में देखा होगा तो जैसे शक्तिमान, ये है हमारा शक्तिमान, आगे चल के इसी को हम कलुआ बना देंगे। ठीक है, जैसे शक्तिमान के चारों ओर, जैसे शक्तिमान के चारों ओर ऐसे जोए जोए करके घूमता है ऐसे, वैसे ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इसी प्रकार से घूमता है। ठीक है, 3D में ऐसे ही दिखता है, ऐसे 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 इसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता। अच्छा, कुछ बातें हम लोग समझ लेते हैं। जैसे अगर परमाणु समझ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी समझिए। अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन के कहानी की तो इलेक्ट्रॉन की कहानी जो शुरू होती है वह इसके खोजकर्ता का जो श्रेय जाता है जे.जे. थॉमसन को जाता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का जो श्रेय जाता है इलेक्ट्रॉन, वो जे.जे. थॉमसन को जाता है। अगर इसका द्रव्यमान पूछा जाए तो ब्रह्मांड में सबसे छोटा पार्टिकल जो माना जाएगा इलेक्ट्रॉन माना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ब्रह्मांड में और भी छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं जिन्हें क्वार्क्स कहते हैं। और क्वार्क्स 6 प्रकार के होते हैं, अप डाउन टॉप बॉटम स्ट्रेंज और चार्म। तो 6 प्रकार के क्वार्क्स होते हैं, अप डाउन टॉप बॉटम स्ट्रेंज और चार्म, 6 क्वार्क्स होते हैं। जब 3 क्वार्क्स मिलते हैं तब एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये हो गया, आप लोग पहले से ही जानते होंगे लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि मुझे ये चैप्टर पढ़ाना है आपको। तो -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है।
अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन जो है इसका जो खोजकर्ता थे इसका श्रेय जाता है रदरफोर्ड को, लेकिन अगर वास्तविकता पूछी जाए तो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो गोल्डस्टीन थे। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.66 × 10^-27 किलोग्राम। यह इलेक्ट्रॉन से लगभग 1857 गुना ज्यादा भारी होता है और इसका जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, लेकिन ये धनावेशित होता है। ठीक, अगर न्यूट्रॉन की बात की जाए, तो ध्यान रखिएगा न्यूट्रॉन के खोजकर्ता में जाता है श्रेय जेम्स चैडविक को। जेम्स चैडविक द्रव्यमान लगभग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक, और ये न्यूट्रल होता मतलब उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो इस चैप्टर का जो नाम है वो है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, जिसमें एक शब्द मैं बार बार कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह इतना होता है, प्रोटॉन का जो आवेश होता है इतना होता है। अब बात आती है आवेश की कि आवेश किसे कहते हैं, तो आइए समझते हैं आवेश किसे कहते हैं। ठीक है, हाँ आवेश किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा अगली हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी वैद्युत आवेश की। नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, ग्रुप बना दिया जाएगा, आप ग्रुप ज्वाइन करिए और नोट्स वहां से ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज या वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो देखिए आप लोगों ने बचपन में वाला खेला खेला होगा, जैसे पेन रून रगड़ देते थे, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उठाते थे। ठीक है, अगर कभी कपड़े ऐसे झाड़ दे चरचरा के आवाज निकलती है, कपड़े निकाल रहे हैं तो कभी कभी चरचराने की आवाज आती है, वो सब आवेश के कारण ही होता है। किसके कारण होता है, आवेश के कारण। अगर बात किया जाए आवेश का श्रेय किसके जाता है, तो बहुत अलग अलग लोग है, गिलबर्ट है, फ्रैंकलिन है, बहुत लोगों को अलग अलग लोगों ने अपने अपने समय में अपनी अपनी खोजें की थी। लेकिन वैद्युत आवेश को अगर सिंपलेस्ट वे में देखा जाए कि क्या होता है वैद्युत आवेश, तो जान लीजिए। अच्छा, एक चीज और है, मैं ऐसा नहीं है कि सीधे टॉपिक पढ़ा दूं, मेरा मानना है कि जब तक बच्चे का बेसिक नहीं अच्छा होगा तब तक चैप्टर पढ़ाया ही नहीं जा सकता है। चैप्टर आप कितना भी अच्छा पढ़ा दीजिए, अगर उसका बेसिक नहीं अच्छा किए तो बच्चा कमजोर रह जाएगा, उसके मन में सवाल उठेंगे और धीरे धीरे वो पूछना सवाल कभी पूछ नहीं पाएगा, क्लास में बैठा होगा तो उसके मन से वो सारी चीजें खत्म होने लगेगी कि क्लास में जाएंगे तो कुछ नई चीज सीखेंगे, तो आएगा बस बैठेगा और चला जाएगा। तो क्लास में सवाल पूछना एक अच्छी आदत होती है। तो मैं एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूँ, तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिए, देखते रहिए। देखिए वैद्युत आवेश क्या होता है, डिफिनेशन मैं बताता हूं। द्रव्य का वह सूक्ष्मतम किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत या चुंबकीय गुण का अनुभव करता है या उत्पन्न करता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। अगर कभी कोई पूछे आवेश का एसआई कैसी राशि है, तो याद रखिएगा यह अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, यह अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है, कूलाम होता है। अब देखिए कूलाम का नियम आप लोगों ने सुना होगा, कूलाम का नियम पढ़ने से पहले मात्रक आ गया। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। अगर बात की जाए इसकी बीमा की, इसकी बीमा मैं बीमा निकालना आप लोग को सिखा दूंगा क्लास में, निश्चिंत रहिए। इसकी बीमा एटी होती है, ठीक है, इसकी बीमा। ये तीन बातें याद रखिएगा, वैद्युत आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है, एग्जाम में बहुविकल्पी पूछ लेता है, अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है, इसका एसआई इसकी बीमा क्या होती है एटी। ये तीनों बातें आवेश के बारे में पूछी जा सकती है। अच्छा, ये था वैद्युत आवेश की कुछ खास बातें। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है उसका अनुभव करता है, आवेश कहलाता है, या अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है और इसकी बीमा एटी होती है। अब आवेश के गुणों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ आवेश की बात करें, आवेश के गुण, ठीक है, अगर बात की जाए आवेश के गुण, आवेश के गुण
प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है? पहली बात, आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के आवेश, दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? ठीक, पहले आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। धनावेश में प्रोटॉन आ जाता है, अल्फा कण आ जाता, अल्फा पार्टिकल आ जाता है और पॉजिट्रॉन आ जाता है। ये सब जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, एक चीज और है, क्या है कि अगर पूछ लिया जाए कि समान प्रकार के आवेशों के बीच क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, समान प्रकृति के आवेशों के, समान प्रकार के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है और विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। जैसे अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो इनमें प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण मतलब होगी दुश्मनी, इनमें होगी दुश्मनी, ठीक है, दुश्मनी, जानी दुश्मन बन जाएंगे, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है, दुश्मनी मतलब प्रतिकर्षण। प्लस माइनस है इसमें होगा प्यार, ठीक है, इसमें होगा प्यार, इसका सीधा अर्थ है आकर्षण होगा, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को, प्लस प्लस में प्रतिकर्षण, माइनस माइनस में प्रतिकर्षण, प्लस माइनस में आकर्षण, मतलब प्लस प्लस में दुश्मनी होगा, माइनस माइनस में दुश्मनी होगा, प्लस माइनस में प्यार होगा, मतलब आकर्षण होगा। तो याद रखिएगा, दो बातें हो गई, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, और समान प्रकार के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। आवेश के दो गुणों का अध्ययन कर लिए। तीसरा गुण, आवेश संरक्षण का नियम। आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, वैसे आवेश संरक्षण का नियम है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी कि अगर हमारे पास किसी विलगित निकाय के लिए आवेश सदैव संरक्षित रहता है, मतलब ऐसे समझिए, अच्छा यहां एक शब्द मैंने बोला निकाय, निकाय क्या होता है? सिस्टम, वो वाला सिस्टम है जो तुम लोग समझ रहे हो, दो ये वाला अलग सिस्टम है निकाय। जैसे आप मेला जा रहे हैं, आपकी नजर किसी की नजर से टकरा गई और किसी खास की नजर से टकराई, वहां 10 लोग थे, 10 लोगों में किसी एक से आपकी नजर टकराई, तो जिससे आपकी नजर टकराई वह आपके लिए सिस्टम कहलाएगा, निकाय कहलाएगा। बाकी उसको छोड़कर जो लोग होंगे वो सराउंडिंग कहलाएंगे। तो अगर मेला में गए, किसी से टकराए, तो वह आपके लिए सिस्टम, बाकी चीजें क्या हो गई? सराउंडिंग। इन्हीं दोनों को मिलाकर के यूनिवर्स, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप लोग मेरे लिए सिस्टम हो गए, और आपके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सब सराउंडिंग में काउंट की जाएंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमारे पास एक विलगित निकाय है ए और बी। विलगित मतलब क्या होता है? तन्हा, वो वाला तन्हा नहीं कि छोड़ के चले गए तो बैठ के रोना शुरू कर दे, अलग तन्हा है। तन्हा मतलब विलगित, ना ले सकता है ना दे सकता है। तन्हाइयों में तो सब जी रहे हैं, कुछ तुम जी रहे हो कुछ हम जी रहे हैं। वो अच्छा, गर्मी हो रही, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसी बात पे एक बात याद आ गई कि तेरे जुल्मो सितम का जरिया हो गया हूं, तेरे जुल्मो सितम का जरिया हो गया हूं, ए गर्मी कुछ तो रहम कर, मैं करिया हो गया हूं। तो थोड़ा सा आप लोग भी बचाव रखिए, घर में रहिए, धूप में बहुत ज्यादा उछल कूद मत करिए। तो हमारे पास एक विलगित निकाय, विलगित मतलब होता है तन्हा, ठीक, तन्हा मतलब जिसको दुनिया से लेना देना नहीं है। हमारे पास एक विलगित निकाय है, उसमें दो आवेश हैं ए और कौन से बी, नहीं सॉरी, दो वस्तुएं हैं ए और कौन से बी। इस पर है मान लेते हैं 10 कूलाम आवेश और इस पर है -2 कूलाम आवेश। तो इस निकाय के पास जो टोटल आवेश है वो +8 कूलाम का है। क्यों? क्योंकि +10 और -2 मिलकर के +8 हो गए। अच्छा, अगर इन दोनों के आपस में कुछ लेन देन की प्रक्रिया हो गई तो इसके पास, ए वाले के पास आ गया +6 कूलाम, इसके पास आ गया +6 कूलाम, तो बी वाले के पास कितना आएगा?
तो ध्यान रखिएगा, ऐसे समझिए कि आप एक आप है, ये आप है, आप नहीं है, मान लेते कल हुआ है, आप ऋषि आ सकते हैं, और ये मान लेते हैं बसंती। अब ये मत करिएगा कि बसंती तो बीरू को, बीरू की है, वो गब्बर बीरू को निपटा दिया, ठीक है, ये बसंती हो गई। इसके पास 100 रुपए थे, इसके पास 50 रुपए थे, आपस में लेन देन की प्रोसेस हुआ और आपस में पैसों का लेन देन हुआ। उसके बाद कलुआ के पास, ठीक है, कलुआ के पास जो पैसे आ गए, और बसंती भी बना दे रहा हूं मैं एकदम, देख रहे हैं खूबसूरती की मिसाल, चले सालों साल अंबुजा सीमेंट, दीवारें बोल उठेंगी, एशियन पेंट, ठीक है, कलुआ हो गए, ये बसंती हो गई, ठीक। अब कलुआ के पास आ गए 20 रुपए, तो बसंती के पास कितना जाएगा, 130 रुपया, क्योंकि दोनों के पास मिला करके कुल कितना था, 150, तो बाद में भी कितना रहेगा, 150। अब मत कहना कि बसंती का इसने मोबाइल रिचार्ज करा दिया, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो इसने कुछ रुपए इसको दे दिए, और इसके पास 20 बचे थे, इसके पास कितने हो गए, 130 रुपए, लेन देन का प्रोसेस हो गया। अच्छा, ऐसे ही यहां पर 10 गुलाम था, ये -2 गुलाम, तो इसके पास +6 गुलाम होगा, और इसके पास टोटल मिला के 8 गुलाम था, इसके पास 6 है, तो इसके पास कितना हो जाएगा, +2 गुलाम, मतलब टोटल जो अब भी रहेगा वो +8 गुलाम ही रहेगा, मतलब जितना पहले आवेश है उतना बाद में भी आवेश रहेगा, यानी कि किसी विलगित निकाय के लिए आवेश सदैव संरक्षित रहता है, ठीक है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अच्छा, एक कमाल की बात सीखने को मिला, इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ या चौथा गुण हुआ कि किसी निकाय को दिया गया कुल आवेश, मान लेते हैं, या किसी वस्तु को दिया गया आवेश, मान लेते हैं इसको दिया गया Q1, इसको दिया गया -Q2, इसको दिया गया -Q3, इसको दिया गया +Q4, ऐसे बहुत सारे आवेश दिए गए, किसी वस्तु को दिया गया कुल आवेश सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी Q1 -Q2 -Q3 +Q4 +++, इसी प्रकार से आगे चलो होते चला जाएगा, ठीक है, जितने भी रहेंगे, यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाऊं तो क्या समझाऊंगा, मैं ये समझाऊंगा कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक वस्तु है, इसको पहले दिया गया +20 गुलाम, फिर इसको दिया गया -10 गुलाम, फिर इसको दिया गया +30 गुलाम, फिर इसको दिया गया -15 गुलाम। अब मैं पूछ लूं इस वस्तु पर कुल आवेश कितना है, पहले कितना दिया गया 20, बाद में -10, बाद में +30, बाद में -15, तो अगर कुल क्यू आवेश पूछेगा तो 20 -10 + 30 -15, ठीक, तो 30 20 50, 50 से 10 निकल गया कितना आएगा 40, 40 से 15 निकल गया भैया आएगा 25, यानी इस पे आएगा टोटल 25 गुलाम का आवेश। सीधा सीधा समझिए, किसी वस्तु को दिया गया कुल आवेश, ठीक है, किसी वस्तु को, किसी वस्तु का जो कुल आवेश होगा वह उसके अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर, अलग अलग जोड़ दीजिए चिन्ह सहित, धनावेश है तो धनावेश, ऋणावेश है तो ऋणावेश, ठीक है, ये काम कर लीजिए, काम हो जाना है। अच्छा, कितने प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए, 4, पहला प्रॉपर्टी क्या था, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था कि भैया समान प्रकार के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण होता है। तीसरा नियम क्या था, आवेश संरक्षण का नियम, किसी विलगित निकाय के लिए आवेश सदैव संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर भेजा जा सकता है, यानी स्थानांतरित किया जा सकता है। तीसरा नियम क्या है, किसी वस्तु पर उत्पन्न कुल आवेश उसके सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर। पांचवा गुण पढ़ते हैं, जो पांचवा गुण है वो है आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण, अभी मैंने आप लोगों इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, भौकाली भाषा यह बात या इंग्लिशियम बता करके सब पैसा ज्यादा ले लेते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, क्वांटाइजेशन ऑफ, इसी को इंग्लिश में बता करके लोग भौकाल मारते हैं, और जहां हिंदी मीडियम में जिस चीज की फीस 300-200 है उसकी सीधे सीधे डबल हो जाती है, कोई बात नहीं, भौकाल में जानिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। अभी मैंने आप लोग को कहा कि ब्रह्मांड में जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्वार्क्स पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे, पूरी फिजिक्स इसी पे चलेगी कि ब्रह्मांड का सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो क्वार्क्स है। अच्छा,
हम लोग जो मान के चलेंगे वो मान के चलेंगे कि ब्रह्मांड का सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। तो इसका अर्थ इसका सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, इतना ही है। आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, यानी जो भी आवेश आपको दिखते हैं वह एक एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके बनाए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डेढ़ इलेक्ट्रॉन जुड़ा हो, ढाई इलेक्ट्रॉन जुड़ा, ऐसी कोई चीज। जैसे क्लास में 20 लोग मान लेते हैं पढ़ते हैं, तो कोई दुबला पतला बच्चा आएगा तो उसको आधा थोड़ी गिन लेंगे, और कोई मोटा एकदम आ जाए एकदम हैवी टाइप का तो उसको डबल थोड़ी गिन लोगे, उसको एक ही काउंट किया जाता है। वैसे ही आवेश का क्वांटीकरण, आवेश जो होता है ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई होता है, एन ई नानी। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलाम। कूलाम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। तो याद रखिएगा यहां क्यू है आवेश, क्यू है आवेश, ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम। निगेटिव नहीं रखेंगे, प्लस माइनस अपने आप ले लिया जाएगा। यन है इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या। अब ध्यान रखिएगा, अब दो बातें होती है कि कब प्लस लिया जाता है कब माइनस लिया जाता है। तो प्लस कब लिया जाता है, ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और एकदम गर्मी से मैं भीग गया हूं, तो मैं इस टॉपिक के बाद क्लास ओवर कर लूंगा क्योंकि आवेश का क्वांटीकरण ओवर हो रहा है, ठीक है। मतलब आवेश के बारे में मैंने बता दिया, इसके बाद मैं आवेश आवेशन की विधियां बताऊंगा जो अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर हम आवेश के क्वांटीकरण और कुछ सवालों पर छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, आवेश क्यू बराबर क्यू आवेश हो गया, ई इतना हो गया या नहीं हो गया, कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब प्लस आएगा, और जब किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उस पर माइनस चार्ज आता है। ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन निकला तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन आया तो निगेटिव। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि सर कब काहे निकलने पर पॉजिटिव आया, तो याद रखिएगा कोई भी परमाणु सामान्यतः उदासीन होता है, इसका अर्थ जितना उसमें इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन भी होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है और प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। बचपन में पढ़ाया जाता है लेकिन मैं ठीक है, मैं और कभी इसका जिक्र कर लूंगा, आज के लिए समझिए। इलेक्ट्रॉन निकलने पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन आने निगेटिव, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है और प्रोटॉन पॉजिटिवली होते हैं इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। जब किसी पर इलेक्ट्रॉन आते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और वो निगेटिव होता है इसलिए उस पर निगेटिव चार्ज आता है। याद रखिएगा क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। मैं एक सवाल से आपको समझाता हूं, जैसे एक सवाल है न्यूमेरिकल है एक कि किसी वस्तु से 5×10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं या चले जाते हैं, निकल जाते हैं तो उस पर कितना तथा किस प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज फॉर्मूला लिखेंगे क्यू बराबर प्लस माइनस एनी। इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो क्या लिखा जाएगा, प्लस। क्या लिखा जाएगा, प्लस। क्यू बराबर प्लस एनी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकलने पे क्या लिखते हैं, प्लस। देखिए इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पॉजिटिव, तो प्लस लिख लिए। कितने इलेक्ट्रॉन निकले भैया, इतने इलेक्ट्रॉन निकले भैया, 5×10⁻¹⁹ ई का मान 1.6×10⁻¹⁹ ठीक। अगर बात की जाए 16×5=80 तो 8.019 में से 19×10⁻¹⁹ हो जाएगा, और किसी भी संख्या पे घात जीरो हो, किसी भी संख्या पे घात जीरो हो तो उसका मान एक होता है। ठीक, तो इसका मान जो होगा एक हो जाएगा, 8×8 कूलाम। ठीक, तो यह एक सवाल मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और है छोटी सी मैं बता देता हूं, 5 हो गए हैं, छठवां बताते हैं लास्ट, इस पे सवाल हम कल आपको कराएंगे। ठीक, अच्छा छठवां क्या है कि अगर ऐसे समझिए, इतना बड़ी एक कोई स्केल है, मैं इतने ऊपर से गिरा के ऐसे छोड़ूं तो मुझे चोट नहीं लग रही है, लेकिन अगर इसे स्केल पे चला के मारूं बहुत तेज चोट लगेगी। छोटी से छोटा सा पत्थर लेकर के ऐसे छोड़ूं तो नहीं चोट लगेगा, लेकिन अगर उसी पत्थर को एकदम तेज गुरतेल से या किसी और चीज से तेज चला के मारा जाए तो आर पार कर जाएगा, आपको भूना फोड़ देगा मार के। तो याद रखिएगा द्रव्यमान पर वेग का प्रभाव पड़ता है। माना जाता है कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है। किसके अनुसार परिवर्तित होता है, इसके अनुसार m = m0
स्क्वायर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसके अनुसार उसका द्रव्यमान परिवर्तित होता है। यानी कि अगर किसी चीज का स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो अनंत हो जाएगा, माना ही जाता है। थ्योरी ए थ्योरी है कि अगर ब्रह्मांड में कोई वस्तु है लाइट की स्पीड से गति करने लगे, ठीक है, तो उसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा। अच्छा, तो आवेश पर पड़ता है नहीं पड़ता, तो ध्यान रखिएगा छठवां प्रपत्ति है आवेश पर वेग का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो आज का लेक्चर में क्या क्या हम लोगों ने सीखा, आज का लेक्चर जो है हम लोगों ने सीखा कि परमाणु किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं, आवेश अदिश राशि, इसका साई मात्रक कूलाम होता है, बीमा एटी होती है, आवेश के गुण, धनावेश, ऋणावेश, ये सब बातें हम लोगों ने की। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। चलिए कल मिलते हैं अगले वीडियो में, जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।